तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल हमने मंगा लिया है ब्रशलेस मोटर वाला ड्रोन। आप लोग का बहुत ही ज्यादा डिमांड था मेरे चैनल पे, इंस्टाग्राम पे जाकर देखो, कमेंट पे देखो, हर जगह भाई ब्रशलेस मोटर, ब्रशलेस मोटर, ब्रशलेस मोटर। तो फाइनली मैंने ब्रशलेस मोटर वाला ड्रोन मंगा लिया है। और ये जो ड्रोन आया है ना भाई, अनीस भाई की तरफ से आया है, अनीस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने चैनल से, थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस ड्रोन, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और देखो, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप नॉर्मल जब ड्रोन खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, एक मोटर लगा हुआ है और गियर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो मोटर और गियर खराब हो जाता है जब ड्रोन क्रैश होता है तो, ठीक है। लेकिन ये जो है ब्रशलेस मोटर वाला ड्रोन है तो ये खराब होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है, और ये जो है लॉन्ग टर्म तक चलने वाला ड्रोन है, ठीक है। तो चलिए, बकवास तो मैंने बहुत सारा कर लिया, इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको होनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए आ गए हो तो मस्ट सब्सक्राइब कर लेना, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, स्क्रीन पे मेरा आईडी दिखाई दे रहा है, वहां से फॉलो कर लो। और नहीं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है। हम फटाफट से इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, ड्रोन का बॉक्स जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और पैकेजिंग की बात करें तो काफी अच्छा खासा इसमें पैकेजिंग आपको देखने को मिलता है, देख सकते हो। और यहाँ पर अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ये आया हुआ है, और यहाँ पर काफी अच्छे से इसको प्लास्टिक से रैपर किया गया है। गाइस, आपको पैकेजिंग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो एक बैग आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, काफी अच्छा खासा बैग आपको देखने को मिलता है, ठीक ठाक है। और यहाँ से ये चैन है, फटाक से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है ये आपको ड्रोन देखने को मिलता है कुछ इस तरह से है। ये ड्रोन का वजन की बात करें तो काफी अच्छा खासा इसमें वजन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आते हैं, ये रहा इसका बैटरी, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से है। गाइस, बैटरी में एमएच तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लगभग 1800 mAh के आसपास का ये बैटरी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइप का बैटरी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रिमोट की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और पीछे से बात करें तो डबल ए साइज का इसमें बैटरी लगने वाला है 1.5 वोल्ट का। और ये राइस का ढक्कन निकल चुका था बाहर, क्योंकि कुरियर के द्वारा आया तो काफी झटके वगैरह खाया होगा। देख सकते हो एक पाउच है। गाइस, पाउच के अंदर तीन यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलता है, काफी अच्छी चीज है। बाकी बैटरी कोई देता नहीं है सेलर, आप जानते होंगे, लेकिन अपने अनीस भाई ने ये बैटरी मेरे को भेजा हुआ है। आपको भी मिलेगा, आप ड्रोन खरीदते हो तो आपको ये बैटरी देखने को मिलेगा इनसाइड द बॉक्स। और गाइस, यहाँ पर एक आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। और गाइस, यहाँ पर चार आपको प्रोपेलर देखने को मिलता है, तो चलिए इसको भी साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर एक आपको स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको खोलने वगैरह है ड्रोन तो इससे आप खोल सकते हो। और गाइस, यहाँ पर आपको दो यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ये यूजर मैनुअल है। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, लेकिन ये चाइनीज में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में आपको देखने को मिलता है और इधर जो है चाइनीज में है, ठीक है। तो अभी इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और ये भी जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें iOS का मतलब इंस्टॉल करने के लिए दिया गया है और एंड्रॉयड का इंस्टॉल करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा आप घुंडी देख रहे हो, पहले इसको खोलना होता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये खुल चुका है। और यहाँ पर अनीस भाई ने ड्रोन वाला का यहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। मैं इसको अनफोल्ड करूँ तो कुछ इस तरह से ये ड्रोन जो है काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है और मस्त लग रहा है। यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, इस पर एक लेंस भी चिपकाया गया है, यानी कि प्लास्टिक टाइप का कुछ। तो चलिए उसको मैं निकालता हूँ बाहर, ताकि कैमरा जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे से आए। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्लास्टिक को निकाल दिया है, अब जो कैमरा का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा आने वाला है और ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर दो आपको लाइट देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से ड्रोन का लुक है, काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पर LED लाइट आपको देखने को मिलता है। अभी हम ड्रोन को फुल चार्ज करते हैं और ऑन करेंगे ना, तो आपको सारे लाइटें दिखाऊंगा और इसको हम आउटडोर में काफ़ी मस्त फ्लाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ब्रशलेस मोटर कुछ इस तरह से दिखने वाला है, काफ़ी मतलब तगड़ा लग रहा है। और ब्रशलेस मोटर का क्वालिटी भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का लग रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार ट्राई करते हैं ना, बैटरी लगा के देखते हैं कि कैसा मतलब इसमें लाइट वगैरह जल रहा है, ठीक है। बैटरी थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा है, ये बैटरी थोड़ा सा ढीला लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ड्रोन को एक बार ऑन करता हूँ, तो गाइस ऑन हो गया है। ओ माय गॉड, काफ़ी तगड़ा आवाज़ कर रहा है, बिल्कुल DJI मिनी 2 की तरह आवाज़ कर रहा है और सही लग रहा है देखने में, काफ़ी जहर, ठीक है। और गाइस, मेरे पास पहले से हिल स्टार का ड्रोन का बैटरी था, यहाँ पर देख सकते हो ये रहा अपना हिल स्टार वाला ड्रोन। तो इसका मैं बैटरी निकाल के सोच रहा हूँ इसके अंदर लगाऊं, ठीक है। और हिल स्टार बैटरी मेरे पास दो है फिलहाल, इसके अंदर एक लगा हुआ है ये वाला बैटरी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो सेम टू सेम बैटरी यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों बैटरी सेम टू सेम है। और इन दोनों बैटरी को आप इसके अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, देख सकते हो, और चाहूँ तो इस बैटरी को भी लगा करके सिंपली इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं चाहूँ तो इस बैटरी को भी इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि तीनों बैटरी इसके साथ कंफर्टेबल है, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास E88 ड्रोन का बैटरी है ना, तो उसमें आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी बैटरी यूज़ कर सकते। अब चलते हैं फटाफट से आउटडोर में और इसको फ्लाई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास तीन तीन बैटरी है ना, तो लॉन्ग टर्म में मेरे को फ्लाई करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइस, अब फटाफट से क्या करते हैं, इसके QR कोड से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर गूगल अपना स्कैनर मैंने खोल लिया, और जैसे ही खोला है उसके बाद सिंपली आपको स्कैन करना है एंड्रॉयड वाला, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो स्कैन हो चुका है, लिंक पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और प्ले स्टोर से नहीं करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। HFUFO इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको नहीं करना है कुछ भी, सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ, HFUFO लिख दो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन करना है और वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको अपना इंटरनेट को बंद कर देना है, वाईफाई को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये HF नाम का आ चुका है, मैं मोर पे जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से परमिशन मांग रहा है, तो मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सिंपली परमिशन दे देना, ठीक है। GPS वगैरह का परमिशन मांग रहा है तो दे देना है, कुछ देर के लिए तो उड़ाना है आपको ड्रोन, तो यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो इसका कैमरा जो है इसके सामने शो करने लगा है, तो यहाँ से आप चाहो तो कुछ इस तरह इसका कैमरा देख भी सकते हो, ठीक है। अब चलिए फटाफट से ड्रोन को फ्लाई करते हैं हम। तो गाइस फिलहाल मैं बैटरी को फुल चार्ज करके लेकर आ चुका हूँ पार्क में, और वहाँ पर मैंने ड्रोन को रख दिया है। चलिए इसको फ्लाई करते हैं और देखते हैं कि स्टेबिलिटी वगैरह कैसा है और बाकी सारी चीज़ें कैसा है, ठीक है। और इसका एक रिव्यू वाला वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो मस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, ठीक है। हम फटाफट से इसको ड्रोन की 1 की टेक ऑफ करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे आपको लाइटें भी देखने को मिलेगा जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 1 की टेक ऑफ वाला बटन दबाता हूँ, तो गाइस देख सकते हो ड्रोन जो है 1 की टेक ऑफ हो चुका है, और स्टेबिलिटी वगैरह देख सकते हो काफ़ी मस्त। देखो भाई मैं ड्रोन को छोड़ दिया हूँ, और स्टेबिलिटी देखो कितना तगड़ा लेवल का उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको नेक्स्ट लेवल का इसका फ्लाई देखने को मिलता है। और इसका आवाज़ की बात करना, इतना ज़्यादा तगड़ा आवाज़ है ना कि क्या बताऊँ, मतलब आप अगर आवाज़ सुनो जरा, मैं 2 मिनट के लिए चुप रहता हूँ। तो गाइस आपने आवाज़ सुना होगा कितना नेक्स्ट लेवल, कितना मस्त, कितना मक्खन आवाज़ है, ठीक है। इसका एक रिव्यू वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट कर दो, ठीक है। अभी चलो थोड़ा सा ड्रोन को फ्लाई करते हैं ऊपर, और आपको फ्लिप वगैरह भी करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन को मैं ऊपर लेकर जा चुका हूँ, और इसमें ब्रशलेस मोटर होने की वजह से ना ये मतलब जो ड्रोन है ना काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ड्रोन में आप 3 स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ये 2 नंबर पर जा चुका है और ये जो है 3 नंबर पर जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइस रिमोट के बारे में कुछ आपको बताने के चाहूँ, तो यहाँ पर इसमें 2 बटन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि आप रिकॉर्डिंग स्टॉप और स्टॉप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि सभी रिमोट में क्या होता है, एक बटन होता है, लेकिन इसमें एक यहाँ पर बटन अलग मिलता है और यहाँ पर एक बटन अलग ही आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें सेम टू सेम इसमें 360 डिग्री फ्लिप यहाँ पर आपको है, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यहाँ पर है, ठीक है। बाकी लीवर सेम टू सेम है सभी के जैसा नॉर्मल। यहाँ पर आपको एक एल्टीट्यूड होल्ड वाला देखने को ऑप्शन अलग से मिलता है, ये वाला बटन है, ये नॉर्मली 1 की टेक ऑफ है, 1 की लैंडिंग है, और यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉप करने के लिए बटन मिल जाता है, ठीक है। ये जायरोस्कोप ऑन करने के लिए, बेसिकली कैलिब्रेट करने के लिए ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। ये कैमरा ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए बटन मिलता है, लेकिन उसमें जो है रिमोटली एडजस्टेबल कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये रिमोट को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए बटन आपको देखने को मिलता है। वैसे डिटेल वीडियो एक आने वाला है, रिव्यू वाला वीडियो, तो मस्त उसके लिए आप वेट करो, थोड़ा सा जल्दी वीडियो आ जाएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होता है तो। और गाइस इसके अंदर आपको मोबाइल होल्डर भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ खुल जाएगा, और इसमें अपनी सिंपली मोबाइल को लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपका मोबाइल कितना भी बड़ा रहेगा तो भी यह आसानी से फिक्स हो सकता है, और आप सिंपली अपने ड्रोन को इस तरह से देख करके उड़ा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल मेरा ड्रोन जो है उड़ने लगा है, और जो ड्रोन है मतलब फिलहाल यहाँ पर हवा काफ़ी चल रहा है, उसके वजह से थोड़ा सा ये अनस्टेबल उड़ेगा जब हवा चलेगा। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी मस्त करके ये उड़ रहा है, कुछ इस तरह से आप उड़ा सकते हो। बाकी देख सकते हो मैं ड्रोन को छोड़ दिया हूँ, और स्टेबिलिटी देख सकते हो अभी वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टेबिलिटी इसमें टॉप लेवल का आपको मिलता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा है, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। इसमें ऑप्टिकल एविडेंस ये वाला जो आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको यूज़ नहीं करोगे तो काफ़ी अच्छे से ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। और गाइस इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो लगभग 7 से 8 मिनट का आपको बैटरी देखने को मिलता है। अगर आपके पास 2-3 बैटरी है तो काफ़ी अच्छा खासा आपका चल जाने वाला है, ठीक है। लेकिन मेरे पास इसका 3 बैटरी है, तो काफ़ी मैं मस्त उड़ाता हूँ काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ये उड़ता है।
और ब्रशलेस मोटर होने की वजह से इसका जो लाइफ है, स्टेबिलिटी लाइफ यानी कि जीवन इसका है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दिन तक आप इसको उड़ा सकते हो, ख़राब नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें गियर का झंझट ही नहीं है। इसका प्राइस की बात करें तो लगभग 5500 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलता है। आपको बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर आप जैकी 10 प्रोमो कोड लगाओगे तो वहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो आप जो चाहे वो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिव्यू वीडियो के लिए आप वेट करो जस्ट। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो इस ड्रोन से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।